हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल जी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप लोगों ने डेफिनेशन वगैरह तो कई बार पढ़ी होगी इसकी, बट बेसिक फंडा इसके पीछे क्या है, कैसे ये बनती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, आई होप आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आज के टाइम में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है। वाईफाई 802.11ac, 4G, 5G, LTE, सेलुलर फोल्ड टेक्नोलॉजीज, वाईमैक्स, सैटेलाइट एंड मैनी अदर्स, बहुत सारी जगह पर OFDM टेक्नोलॉजी यूज होती है। किस तरह से ये काम करती है? सबसे पहले आपको FDM के बारे में पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है? देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ के थ्रू समझना ज्यादा आसान है। फ्रीक्वेंसी एंड पावर के बीच में यहाँ पर ग्राफ बना है। जैसे जनरली हम टाइम के, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करा है और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पर पावर को ड्रॉ करा है। और ये सब हमारे ब्लू कलर से चैनल है। ये चैनल वन है, चैनल टू, चैनल थ्री, चैनल फोर, इसी तरह से एंड सो ऑन बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। अब आपने गार्ड बैंड्स का भी नाम सुना होगा कि चैनल्स के बीच में गार्ड बैंड्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इजीली चला जाए और ओवरलैपिंग ना हो दो चैनल्स के बीच, इसलिए गार्ड बैंड्स का यूज किया जाता है। FDM अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर वन लिंक। एक ही लिंक यूज करके हम काफी सारे चैनल्स को भेज सकते हैं FDMA में। बट इसमें हमें नुकसान क्या हुआ, हमें क्या जरूरत हुई कि हमने OFDM डिजाइन करा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है सब चैनल्स में, ये इसकी क्वालिटी है। अब देखिए, जब भी हम FDM और OFDM को कंपेयर करेंगे तो ये सब सिंपल सा ग्राफ, देखिए सिंपल सा ये देख सकते हैं हम डायग्राम। अब हमारे पास OFDMA में कोई भी गार्ड बैंड नहीं है जो FDMA में होता है। एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, OFDM में क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ सेव हो रही है। इतनी बैंडविड्थ जो यहाँ पर हम यूज कर रहे थे FDMA में वो हमारी OFDMA में यूज नहीं हो रही है, तो हमारे बैंडविड्थ क्या कर रहे हैं, हम सेव कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि इसमें डिफरेंस बताइए या फिर क्या क्वालिटी है, OFDM को हम क्यों प्रेफर करते हैं या FDM को हम क्यों प्रेफर कर सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि FDMA में गार्ड बैंड यूज होता है जिससे कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है चैनल्स के बीच में और हमारे सिग्नल जो चैनल्स हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। और अगर OFDM की क्वालिटी हम बताएंगे तो इसमें हमारी बैंडविड्थ की सेविंग होती है। और यहाँ पर देखिए, FDM में क्या क्वालिटी है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है चैनल्स के बीच, OFDM में ओवरलैपिंग हो रही है। बट OFDM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, अभी हम आगे देखेंगे। OFDM सब चैनल्स आर क्लोजली स्पेस्ड। यहाँ पर देखिए, सारे चैनल्स को एक के ऊपर कर दिया गया है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 चैनल्स थे एक बैंडविड्थ में। हम यहाँ पे मान लीजिए सपोज 6 चैनल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 चैनल्स को क्या है, ओवरलैप कर दिया गया है। OFDM allows more data transmission than FDM. अब जब हमारे पास ज्यादा बैंडविड्थ होगी, ज्यादा स्पेस बचा रहेगा हमारे पास, तो हम उसमें क्या है, दूसरा चैनल ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, हमारा ज्यादा डेटा ट्रांसमिट होगा। मल्टीपल सब चैनल्स ओवरलैप ईच अदर। अभी मैंने बताया यहाँ पे जितने भी हमारे पास चैनल्स होंगे, 5, 6, 10, जितने भी हमारे पास चैनल्स होंगे वो सब क्या है, ओवरलैप करेंगे। बट हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं बट हमारा कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा ट्रांसमिट करने में। जब हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, हमारा अलग अलग डेटा ही हमें प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए आपके पास तीन इन तरह के सिग्नल आप भेज रहे हैं। फर्स्ट आपका पिंक कलर से है, सेकंड ब्लू कलर से है और थर्ड येलो कलर से है। तो देखिए, सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। अगर हम इन तीनों को कंबाइंड करके, मल्टीप्लेक्सिंग करके और एक ही उसमें भेजते हैं, तो देखिए पिंक, ब्लू और येलो तीनों को ड्रॉ करा गया है
और इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल किया गया है, इनको एक साथ भेजा गया है। ऑर्थोगोनल मीन्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे देखिए, तीन सिग्नल हम एक साथ भेज रहे हैं, फर्स्ट रेड कलर से है, सेकंड हमारा ब्लू कलर से है, और थर्ड हमारा यहाँ पर पर्पल कलर से है। तो यहाँ पर हमें, अब मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं देखना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 0 पॉइंट मिल रहा है, फिर यहाँ पे कुछ डेटा मिल रहा है, यहाँ से 0 और 1 की फॉर्म में ही जैसे हमें डेटा मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए, जहां पर ब्लैक डॉट आएगा उस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ये सेंटर पॉइंट है ब्लू का। अगर हम इस ब्लू पॉइंट, ब्लू चैनल की बात करेंगे सेंटर की, तो इस टाइम की, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, तो इस टाइम की अगर हम बात करेंगे, तो इस टाइम पे हमारा रेड वाला सिग्नल क्या है, 0 है, और पर्पल वाला सिग्नल भी क्या है, 0 है। दैट मीन्स जब हमारा ब्लू सिग्नल वर्क कर रहा है, ब्लू सिग्नल की इंफॉर्मेशन जा रही है, उस टाइम पे रेड और पर्पल क्या होंगे, 0 होंगे, नल होंगे। तो व्हेन सिग्नल रीचेस एट इट्स पीक द हाईएस्ट पॉइंट एट दिस टाइम अदर सिग्नल आर 0 और नल पॉइंट, यानी इन तीनों में से एक बार में एक ही चैनल काम करेगा, एक ही चैनल की इंफॉर्मेशन डीमल्टीप्लेक्स होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस टाइम की बात करेंगे, हम रेड वाले के पीक पॉइंट देख लेते हैं, इस टाइम की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक ब्लैक डॉट आ गया है, तो इस टाइम पे ब्लू चैनल को आप देखिए 0 है और पर्पल भी 0 है। इसी सेम टाइम की बात करनी है हमें, तो इस टाइम पे सिर्फ हमारे, सिर्फ इस वाले चैनल की इंफॉर्मेशन डीमल्टीप्लेक्स होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल जी फॉर यू। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।